नमस्कार व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोकल टीवी पर। मैं हूं कौशिक और आज फिर से आप लोगों के सामने पॉलिटिकल पाठशाला का वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक जो है मैं आपको आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा की थी, आज हम लोग तेलंगाना की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, जय तेलंगाना वर्सेस जय श्री राम। जी हाँ, यहाँ पे अभी क्या रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं तेलंगाना के अंदर में। तो तेलंगाना के अंदर में देखा जाए तो अभी बताया आपको कि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी वो काफी सारे स्टेट्स में रूल कर रही है। कर्नाटक के अंदर में डायरेक्ट रूलिंग के अंदर है, महाराष्ट्र में जो है वो इनडायरेक्ट रूलिंग के अंदर में है, मध्य प्रदेश हो गया और नॉर्थ ईस्ट के जो पार्ट्स हो गए, गुजरात हो गया, ये सारी जगह पे भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले के दम पे करीब करीब 1600-1700 MLAs के साथ में रूल कर रही है। और इसके अलावा भी कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बीजेपी जीती तो नहीं है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, जैसे कि राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सारे स्टेट्स में जो है भाजपा की सरकार तो नहीं है बट वो लोग अपोजिशन में है। पिछले वीडियो में हमने बिहार में भी देखा कि कैसे 78 MLAs के साथ में बीजेपी सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वहां पे कैसे वो जो है बिहार की राजनीति को इफेक्ट कर सकती है। तो आज उसी तरह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने अलायंसेस से तो टूट रही है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ उद्धव ठाकरे के साथ तो टूट गई, लेकिन कई जगह पे जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े किए थे अपने इलेक्शंस में, कई जगह पे जो है MLAs खड़े किए थे इलेक्शन में। लेकिन अब जनता जान गई है कि अलायंस टूट गया है, अब भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो अपना MLA खड़ा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अभी अलायंस वाली पॉलिटिक्स से धीरे धीरे बाहर आती हुई अकेले अपने दम पे इलेक्शन लड़ने की स्ट्रैटेजी पे चल रही है। बात करें दूसरी तो यहाँ पे देखिए अभी दक्षिण के तरफ पे भारतीय जनता पार्टी का फोकस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वेस्ट में तो गुजरात है ही हाथ में, महाराष्ट्र भी हाथ में है, ईस्ट में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग पोजीशन पे है। नॉर्थ की बात करें तो उत्तर प्रदेश आप लोग जानते ही हैं, उत्तराखंड जानते ही हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में रखा है। तो यहाँ पे साउथ की बात अभी इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी जो है साउथ पे ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी का साउथ का फोकस सबसे ज्यादा रहेगा कर्नाटक में, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक एकमात्र राज्य है जहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्रांग पोजिशन बनाए हुए है। और साउथ में अगर सबसे टफ लड़ाई अगर बीजेपी को लड़नी है तो वो कर्नाटक में लड़नी है, ये बात आप लोग लिख के रख लीजिए। यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको जो है डिटेल में समझाने के लिए लिखी है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जब बात साउथ इंडिया की आती है तो साउथ इंडिया में मैं यहाँ पे दो हिसाब लिख के रखा हूँ, एक है लोकसभा का हिसाब, एक है असेंबली का हिसाब। तो लोकसभा की बात करें तो 130 सीटें हैं पूरे दक्षिण भारत के अंदर में, 130 सीटें हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, लेकिन उसमें से 29 सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी का खुद का उम्मीदवार जीत के आया है। तो यहाँ पे 29 सीट्स अगर हम ब्रेकडाउन देखें तो 25 तो सिर्फ MP कर्नाटक के हैं और 4 जो है वो तेलंगाना के हैं। तो यहाँ पे बात ये है कि 25 कर्नाटक के हैं क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का कैडर स्ट्रांग है, लेकिन गलती से 4 MLA 4 MP जीत के आ जाना तेलंगाना में, ये भारतीय जनता पार्टी को एक आस दिखा रहा है कि तेलंगाना में भी हम कुछ कर सकते हैं। वैसे बाकी सीटों की बात करें 130 की तो वहां पे जो है केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। काफी काम किया था बट उतना रिजल्ट देख के आया नहीं। और बात करें असेंबली की, अब असेंबली की बात करें तो पूरे दक्षिण भारत में 923 MLAs की असेंबली सीट्स है, 923 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसमें से 138 पे भारतीय जनता पार्टी के MLA बैठे हुए हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो 3 MLA हैं तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के, पहले हैं ठाकुर राजा सिंह जो कि गोशा माइल हैदराबाद के MLA हैं, दूसरे हैं दुब्बाका के MLA रघुनंदन राव और तीसरे MLA हैं इटेला राजेंद्र हुजूराबाद के। इटेला राजेंद्र और रघुनंदन राव ये दोनों बाद में जीते हैं, असेंबली इलेक्शन में नहीं जीते थे, बाईपोल इलेक्शन में जीते थे। और रघुनंदन राव एक समय TRS के हुआ करते थे लेकिन काफी सालों से वो बीजेपी में एक्टिव हैं और लड़ झगड़ कर उन्होंने काफी कम मार्जिन से जो है MLA इलेक्शन जीता था।
वही बात करें इटेला राजेंद्र की, तो वो टीआरएस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे, वो मिनिस्टर हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके हाथ में था, लेकिन केसीआर के साथ, मुख्यमंत्री केसीआर के साथ उनकी अनबन हो गई, जिसके बाद उन्होंने टीआरएस पूरी तरह छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और वहां पे जो है उन्होंने हुजूराबाद में काफी मेहनत के बाद, केसीआर ने काफी पैसे खर्चा किए, दलित बंधु स्कीम लाई, फिर भी जो है वो इफेक्ट नहीं दिखा पाए और हुजूराबाद में बीजेपी का एक एमएलए बन गया। और बाकी बात करें 138 में से 135 बाकी जो एमएलए हैं वो साउथ इंडिया के छुटपुट राज्यों में हैं, थोड़े बहुत तमिलनाडु में हैं, जैसे कि भारतीय जनता महिला मोर्चा जो है उसकी अध्यक्षा है वनति श्रीनिवासन, वो जो है कोयम्बटूर के एमएलए है, और वैसे ही जो है कर्नाटक में भी ढेर सारे एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अभी भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि तेलंगाना में हम थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बन तो जाएगी, अगर नहीं भी बनी तो हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी या फर्स्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तेलंगाना में तो बन ही जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे जो है अभी रिसर्च चल रहा है कि क्यों ऐसा है, मैंने यहाँ पे पूरा पॉइंट वाइज बताया है। अभी अगली चीज आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एक्सट्रैक्शन कमेटी बनाई है। वैसे तेलंगाना के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कोई कद्दावर लीडर नहीं है ज्यादा, बात की जाए तो गिने चुने लीडर्स हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जितने 119 असेंबली सीट से तेलंगाना में सब जगह पे जो है पार्टिसिपेट करेगी, अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। तो 119 एमएलए कैंडिडेट्स खोज के लाना इज नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, ये बहुत टफ फाइट हो सकती है। तो 120 यहाँ पे एमएलए खड़े करना, 119 एमएलए खड़े करना भारतीय जनता पार्टी के अकेले के दम पे है नहीं, वो अलायंस भी नहीं कर सकती किसी के साथ, इसीलिए स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस से और डीआरएस पार्टी से जो है एमएलए तोड़ के लाने का यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है, या फिर ऐसे कद्दावर लीडरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जिनका अच्छा जनाधार है अपने अपने इलाके में, लेकिन वो कांग्रेस और डीआरएस से खुश नहीं है, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होना चाहते हैं। ऐसे बाहर के एमएलए को खींच के लाने के लिए बीजेपी ने जो है एक्सट्रैक्शन कमेटी बनाई है। इस एक्सट्रैक्शन कमेटी के दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा है इनके मेंबर्स, चार मेंबर्स यहाँ पे जो है नोटिफाई किए गए हैं, इन चारों को बैठ के ये बताया गया है कि आपको दूसरे पार्टी से जो है कैंडिडेट्स खोज के लाने हैं ताकि हम इलेक्शन फाइट कर सके। पहले हैं गंगापुरम किशन रेड्डी जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सिकंदराबाद से, और अभी मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के मंत्री हैं, नॉर्थ ईस्ट विभाग के, और टूरिज्म के मिनिस्टर हैं वो। साथ ही दूसरे मेंबर हैं बंडी संजय कुमार, बंडी संजय कुमार हैं करीमनगर के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी का जो तेलंगाना यूनिट है उसके अध्यक्ष हैं। तीसरे है इटेला राजेंद्र, जिनके बारे में मैंने बताया, हुजूराबाद के एमएलए हैं, टीआरएस से कूद करके बीजेपी में आए हैं, वो भी अभी संघर्ष कर रहे हैं कि बीजेपी अगर स्ट्रांग हो गई तो उनको बहुत बड़ा पद मिल सकता है, यहाँ तक कि कई जगह पे तो उनके सीएम बनाने की बातें भी चल रही हैं। चौथे मेंबर है डॉक्टर कोवा लक्ष्मण, जब तेलंगाना अलग बना था 2014 में, तब भारतीय जनता पार्टी ने जो है पहली बार तेलंगाना स्टेट का प्रेसिडेंट डॉक्टर कोवा लक्ष्मण को बनाया। आजकल ये ओबीसी मोर्चा जो है बीजेपी का खुद का जो ओबीसी मोर्चा है उसके अध्यक्ष हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, ओबीसी लोगों की बातें कर रहे हैं और लोगों को जोड़ते चले जा रहे हैं। तो इन चारों के ऊपर जिम्मेदारी है कि कैसे दूसरे पार्टी के कैंडिडेट्स को अपनी तरफ खींच के लाना है। अच्छा, कैसे कैसे टाइप के कैंडिडेट को खींच के लाना है और उनको टिकट कैसे देना है। अगर आप दूसरे पार्टी से बिलोंग करते हो, आप बीआरएस में हो या कांग्रेस में हो, और आपको जो है अभी बीजेपी से टिकट चाहिए, तो आपको ये पांच क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे सर। ये पांच क्राइटेरिया क्या है, पहली चीज है बिलीफ इन मोदी, मोदी के ऊपर बहुत अच्छा ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा, उन पे पूरा भरोसा रखना पड़ेगा, उनकी स्कीमों का समर्थन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मोदी के ऊपर पूरी तरह विश्वास रखता है, जो उनके स्कीम्स का लाभ उठाने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को जो है टिकट देने के चांसेस बन रहे हैं। ऐसे में कैंडिडेट को क्या करने की जरूरत है, कैंडिडेट को ये करने की जरूरत है कि पल पल की खबर, मोदी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा रिकॉर्ड उनको टाइम टू टाइम चेक करना है, और अपने पार्टी में जितना भी कैडर है उनको बताना है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें उनको बतानी है कैंडिडेट को। कैंडिडेट को दूसरा चीज क्या करना है, हिंदुत्व पे भरोसा रखना है। हिंदुत्व का टर्म मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के अंदर हिंदुत्व वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि कुछ दिनों पहले ठाकुर राजा सिंह, जो गोशा महल के एमएलए हैं, उन्होंने कुछ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल दिया था जिसके वजह से वो जेल चले गए, लेकिन इतने में ही उनके जेल जाने से क्या हुआ, वो ज्यादा फेमस हो गए, वो राष्ट्रीय मीडिया में आने लग गए, तो उनका नाम भी फेमस हो गया। यहाँ पे हिंदुत्व के अंदर आस्था होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर, हर हिंदू प्रोग्राम को हम करेंगे,
और जो बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसमें ज्यादा एक्टिव रहेंगे, रोज शाखा जाएंगे, अपने लोगों को शाखा भेजेंगे, साथ ही साथ आरएसएस के और जितने भी परिवार संगठन है जैसे भारतीय मजदूर संघ हो गया वहां पे मजदूरों की इकाई को टाइम टू टाइम मेंटेन करेंगे, छात्र संगठन हो गया एबीवीपी छात्रों के साथ में एक्टिवली रहा करेंगे हमेशा, और साथ में जो स्कूल्स है सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल्स है उनमें भी काम करेंगे, डेवलपमेंट का दिखाएंगे पब्लिक को कि कैसे एक स्कूल डेवलप करके जो है हम अभी स्कूल को डेवलप कर रहे हैं, आगे चल के जितने भी इंस्टीट्यूशन है सभी को डेवलप करेंगे जीतने के बाद, फिर बजरंग दल हो गया विश्व हिंदू परिषद हो गया इन दोनों को मेंटेन करके जो है थोड़ा हिंदू कल्चर के डेवलपमेंट का कार्यक्रम, ये सारी चीजें जो है कैंडिडेट को करनी पड़ेगी, अगर ये सब नहीं करेंगे तो फिर उनको टिकट नहीं मिलेगा। तीसरी चीज कैंडिडेट को जो है करप्शन के मामले ज्यादा नहीं रखने हैं, अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ हिंदुत्व है उनके अंदर आस्था है मोदी को लेके लेकिन अगर वो करप्ट है तो उनका पत्ता काट दिया जाएगा, ये बात सीधी सी यहाँ पे बताई मैंने। अगली चीज अफेक्टिव लीडरशिप, उनका जो है ना मतलब अगर इन तीनों क्राइटेरिया पे खड़े उतरे तो चौथा ये रहेगा कि क्या आप मतलब अपने एरिया में अपना दमखम रखते हैं, क्या आपका नाम सारे लोगों को पता है, अगर हाँ पता है तो फिर अच्छा है, अदरवाइज आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवी चीज ये है कि इलेक्शन के टाइम पे पैसों की बहुत जरूरत होती है तो मैनेज करना पैसों को, मनी पोटेंशियल मतलब इलेक्शन के टाइम पे बराबर पैसों का इंप्लीमेंटेशन करना, बड़े बड़े प्रोग्राम्स अरेंज करना, ये सब अगर कैंडिडेट को आ रहा है तो ही उसको टिकट मिलेगी। तो इन पांच चीजों को जो है कैंडिडेट्स को ध्यान में रखना है कि कैसे करके बीजेपी की टिकट हासिल की जा सकती है। अब तेलंगाना में चल क्या रहा है ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। पहली चीज जो है केसीआर जो है वो स्टेट को इग्नोर कर रहे हैं और ज्यादा फोकस नेशनल इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, उनकी मतलब ऐसी इच्छा है कि अब जो है बहुत हो गया तेलंगाना पे, हम लोगों ने बहुत रूलिंग कर ली है, अब समय आ गया है कि नेशनल पॉलिटिक्स में उतरा जाए, जो एंटी बीजेपी पार्टीज है सपा हो गई या बसपा हो गई या फिर जेडीयू हो गई या आरजेडी हो गई, सारों को साथ में लेकर के आम आदमी पार्टी को साथ में लेकर के केसीआर जो है अभी दिल्ली पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी ये इच्छा है कि जल्दी से जल्दी नेशनल पार्टी अब टीआरएस बन जाए और उसका नाम उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदल कर भारतीय राष्ट्र समिति कर दिया, इसका साफ साफ मतलब है वो मोदी को चैलेंज करने के लिए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी काफी मेहनत करेंगे, लेकिन चूंकि वो नेशनल इंटरेस्ट पे अपना ज्यादा ध्यान दे रहे हैं इसीलिए जो उनका लोकल वोट बैंक है, जो उनका लोकल इंटरेस्ट है, जो तेलंगाना के लिए वो स्कीम्स लेके आ रहे हैं वो ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पब्लिक में दिख नहीं रहे हैं, इसीलिए वो तेलंगाना को थोड़ा इग्नोर करते जा रहे हैं और नेशनल मुद्दों पर ज्यादा बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉपुलैरिटी है वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है तेलंगाना के अंदर, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है और उनका संगठन भी मजबूत होता चला जा रहा है, एक एक करके लोग जुड़ रहे हैं सबको, जिला प्रेसिडेंट जिला सेक्रेटरी ये वो ऐसा वैसा सारे पोस्ट दिए जा रहे हैं, भरते चले जा रही है भारतीय जनता पार्टी संगठन के तौर पर, और जो है लोगों को पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नाम की भी एक पार्टी है और उसका निशान कमल का है और नरेंद्र मोदी जो है उसके पीएम है उस पार्टी के तरफ से और अमित शाह जो है बड़े लीडर है, ऐसे करके जो है लोग पहचान रहे हैं पार्टी को। तीसरी चीज ये है कि जो कम्युनिस्ट बेल्ट है तेलंगाना में, कम्युनिस्ट बेल्ट है जहां जहां पे सिंगरेनी कोल माइंस की खदान है, तेलंगाना में कोयला खदान एक रेंज है जो कि गोदावरी नदी के आसपास है और इन खदानों के आसपास में जो है ज्यादा इफेक्टिव तौर पे जो आप कह सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के ट्रेड यूनियन है ये बहुत वहां पे एक्टिव है और उन्हीं के वजह से वहां पे वोटिंग भी काफी ऊपर नीचे करके होती है, अगर आपको वोट पाने हैं तो आपको कम्युनिस्टों को खुश रखना पड़ेगा। लेकिन यहां पे बीजेपी क्या कर रही है, स्पेशली दो जिलों का मैं नाम यहां पे लिखूंगा, एक है खम्मम और दूसरा है नलगोंडा, इन दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है खम्मम और नलगोंडा में हाल फिलहाल में जो है बीजेपी को देखा गया कि अच्छा प्रदर्शन कर रही है, यहां पे कम्युनिस्टों को थोड़ा टफ फाइट दे रही है, यहाँ पे पुराने मतलब उम्र दराज जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो तो है ही लेकिन नए लोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, नए लोग जो है धीरे धीरे बीजेपी के तरफ जा रहे हैं, इसीलिए जो कम्युनिस्ट बेल्ट है जो इलाका है वहां पे बीजेपी अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर चुकी है। अगली चीज है
कि केसीआर जो है वो पब्लिक और कैडर के साथ डिसकनेक्शन रख रहे हैं। मतलब कुछ खास अभी कोविड के टाइम से देखा जा रहा है केसीआर जो है मुख्यमंत्री वो अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकल रहे, बहुत कम निकल रहे हैं, कभी कभार पार्टी ऑफिस में जाते हैं, कभी कभार असेंबली के टाइम पे जाते हैं बस। इसके अलावा कहीं इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं, कुछ इलेक्शंस होते हैं तो ही बाहर निकलते हैं। ऐसा कोई पहले की तरह उनके अंदर चार्म नहीं रहा कि हमेशा पब्लिक के बीच में घूमते रहो, हर जिले में हर कॉलोनी में जो है केसीआर खुद जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि उनको नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा आ गया है इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, अपने बेटे को और अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं हर जगह पे। वो चाहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बदले मेरा बेटा चला जाएगा प्रोग्राम में। तो केसीआर के साथ में जो जनता का कनेक्शन है वो धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है। वैसे जनता तो वोट केसीआर को दे रही है, केटीआर को नहीं दे रही, उनके लड़के को। इसीलिए जो है, और कैडर भी जो है कैडर को केसीआर के ऊपर भरोसा है ना कि केटीआर के ऊपर। वो दिखाने के लिए करना ही पड़ता है कि जी आप किसी को भी रख दीजिए संगठन में, हम उनके हाथ के नीचे काम करेंगे, बट ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। केसीआर जो है धीरे धीरे पब्लिक से दूर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। पांचवी चीज है बंडी संजय कुमार का प्रजा संग्राम यात्रा। वो ढूंढ ढूंढ के रूट मैप निकाल रहे हैं और प्रजा संग्राम यात्रा नाम से एक पद यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा का हिसाब कैसा है कि इस एक 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 पर्टिकुलर टाइम पे एक यात्रा का एक सेक्शन बनाया जाएगा। इससे जो है कम से कम 5 से 7 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच करेंगे और 1 या 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को टच करेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम के साथ बंडी संजय जो है लगातार पैदल घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका लोगों के साथ कनेक्शन ज्यादा जुड़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वो लोगों से मिल रहे हैं उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करते समय अरेस्ट हो जाते हैं, केसीआर जो है ऑर्डर दे देते हैं पुलिस को कि आप उनको अरेस्ट कर लो। और जैसे ही वो अरेस्ट होते हैं बंडी संजय, वैसे ही पब्लिक जो है और उनका नाम फेमस कर देती है क्योंकि उनके लिए, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बंडी संजय कुमार प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से बंडी संजय कुमार भी काफी जो है फेमस होते जा रहे हैं। छठवां पॉइंट ये है कि जो यूथ है, वैसे तो 45 साल की उम्र तक राजनीति में यूथ कहा जाता है, लेकिन 18 से 35 ये जो एज एक 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 एज सेक्शन है ना, 18 से 35 साल के युवा, ये युवक धीरे धीरे जो है बहुत पॉपुलर कर रहे हैं हिंदुत्व को। मतलब इनको जो है, मतलब हिंदू होने पे प्राउड होना और यहाँ पे हिंदू कल्चर को स्प्रेड करना और धीरे धीरे जो है मतलब जय श्री राम का नारा जो है अभी धीरे धीरे फेमस होता चला जा रहा है तेलंगाना में, इसी यूथ के कारण। ये यूथ जो है हमेशा हिंदू कल्चर के साथ में जो है, तेलंगाना का जो खुद का हिंदू कल्चर है उसके साथ में जो है जुड़े रहना चाहती है, अटैच रहना चाहती है, मंदिरों का डेवलपमेंट चाहती है, जहां जहां प्रोग्राम्स होते हैं जो हेरिटेज साइट्स है उनका प्रिजर्वेशन चाहती है। और ये यूथ जो है चूंकि हिंदुत्व से जुड़ती जा रही है इसीलिए इनका लगातार क्या हो रहा है, बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ रहा है। और चूंकि केसीआर फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए केसीआर के प्रति इनका जो है कनेक्शन कटता चला जा रहा है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली ये है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने जब तेलंगाना नया नया बना था बहुत सारे वादे कर दिए थे कि यूथ को जो है मैं ये दूंगा वो दूंगा, यूनिवर्सिटीज खोल दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दूंगा, लाखों लोगों को जो है मतलब नौकरियां दूंगा। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि इतने जॉब्स खाली पड़े हैं तेलंगाना स्टेट में कि हर घर से एक युवा को जो है गवर्नमेंट नौकरी मिल सकती है। लेकिन ये सारे वादे खोखले होते दिखाई दे रहे हैं जिसके वजह से जो है युवा जो है वो खास तौर से केसीआर से डिस्कनेक्ट होता चला जा रहा है। यहाँ पे अगली पॉइंट ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी तोड़ मरोड़ चल रही है। जब भी कोई कांग्रेस का एमएलए जीतता है वो या तो बीआरएस में जाके मिल जाता है या तो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। अगर जीतता है कांग्रेस का एमएलए तो फिर वो बीआरएस में ज्वाइन होता है, अगर हार जाता है तो वो बीजेपी में ज्वाइन होता है। ऐसा एक ट्रेंड चलता आ रहा है पूरे तेलंगाना के अंदर, पूरे ए टू जेड तेलंगाना के अंदर। तो उनको भी चेक किया जा रहा है, क्या आप कांग्रेस पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है रेवंत रेड्डी उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हो, क्या आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, आप राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हो, तो फिर आप अगर कांग्रेस से बीजेपी में आए हो तभी आपको वैल्यू मिलेगी। वहीं अनसेटिस्फाइड बीआरएस के लीडर्स भी हैं। मतलब अब उन लोगों को ऐसा लग रहा है क्योंकि केसीआर हमेशा अपॉइंटमेंट नहीं देते, कभी कभार मिलने के लिए जाते हैं, कई ऐसे एमएलएज है, कई ऐसे मंडल प्रेसिडेंट्स है, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है जो कि केसीआर से डायरेक्ट मिलना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं दे पाते। केसीआर बोलते हैं आप जाके मेरे भांजे हरीश राव से मिलो वो आपका काम देख लेगा, आप मेरे बेटे केटीआर से मिलो वो आपका काम देख लेगा। खुद केसीआर नहीं मिल रहे जिसके वजह से कई सारे बीआरएस लीडर जो है खफा है। बीआरएस की कैडर को जब हम पूछते हैं कि आप लास्ट टाइम अपने मुख्यमंत्री से कब मिले थे,
तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। उन लोग मतलब सोचते हैं हाँ बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, लेकिन जहाँ बीजेपी के कैडर को पूछा जाता है आप लोगों का नेता आपसे कब मिला, तो वो लोग हिसाब बता देते हैं कि साल में 6-7 बार तो मोदी खुद यहाँ आ रहे हैं तेलंगाना में। साथ ही अगर वो नहीं आप उनके अलावा भी उनके अलावा जगत प्रकाश नड्डा आ जाते हैं कभी कभी यहाँ टूर पे 7-8 महीने में एक बार, या फिर जो है मतलब अमित शाह आ जाते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े लीडर्स जब आते हैं पार्टी के तो कैडर को जो है बहुत खुशी होती है। यहाँ आठवीं और आखिरी चीज मैं आपको बता दूँ, एंटी इनकम्बेंसी बहुत चल रही है। मतलब बहुत सारी स्कीम्स तो बहुत वेलफेयर स्कीम्स कल्याणकारी स्कीम्स KCR ले आए हैं, जैसे कि आसरा पेंशन हो गया, मतलब जो वृद्धावस्था में है उन लोगों को पेंशन देना। लेकिन वहाँ एक खामी है, अगर घर में दो वृद्ध हैं तो सिर्फ एक ही वृद्ध को जो है पेंशन मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। 2016 रुपए की पेंशन है, तो इसमें जो है थोड़ी जनता खफा है। दूसरी तरफ और एक कल्याणकारी स्कीम है दलित बंधु। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे दलितों को जहाँ जहाँ आपको जो है स्कीम के तहत लाभार्थी बनाना था, आप गिने चुने दलितों को ही लाभार्थी बना रहे हो। और पार्टी के खुद के कैडर में ये चर्चा चल रही है कि हाँ दलित बंधु स्कीम का फायदा किसे हुआ, जो दलित मोर्चा SC मोर्चा है तो TRS पार्टी की, या कहे अभी जो BRS पार्टी बन चुकी है, BRS पार्टी का जो दलित मोर्चा है उसी के लीडरों को बस इसका सुविधा मिल रहा है। इस सुविधा के तहत क्या होता है, गवर्नमेंट जो है खुद के पैसे से उन्हें दुकान खोल के गाड़ी खोल के कुछ तो कुछ मतलब हेल्प करती है ताकि वो लोग रोजगार कर पाए। तो ये एक अच्छी स्कीम है, बट इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ TRS पार्टी के दलित मोर्चा को ही मिल रहा है, SC मोर्चा को ही मिल रहा है। इससे जो है बहुत एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रही है दलितों के बीच में। मिशन भागीरथ को लेके उन्होंने काफी काम किया, कहा कि ये कनाल खोल दूंगा, वो कनाल खोल दूंगा, ऐसा बांध बना दूंगा। उन्होंने जो है कालेश्वरम नाम की एक जगह है जहाँ पे गोदावरी नदी पे बड़ा बांध भी बनाया, लेकिन कनाल्स बनाते टाइम भी जो है आए दिन झगड़े देखे जा रहे हैं, गांव के गांव बहुत विरोध में आ रहे हैं। और साथ ही साथ कैनाल बनने के बावजूद उसमें पानी का ना आ पाना भी एक अपने आप में विषय है। BRS के कार्यकर्ता कहते ही जा रहे हैं कि आज नहीं कल आएगा, आज नहीं कल आएगा, छोटा काम नहीं है बहुत बड़ा काम है, लेकिन फिर भी जनता जो है असंतुष्ट है उनसे। तो ये सारी चीजें जो है एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है। पिछले 8 साल से लगातार मुख्यमंत्री बने हैं KCR, लेकिन जो है उनके अंदर जो इंथुजियाज्म होना चाहिए, जो उनके अंदर जो है बहुत बड़ा बल होना चाहिए, बहुत पावरफुल फोर्स होनी चाहिए, वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। इसके वजह से जो है एंटी इनकम्बेंसी भी जो है लगातार उनके खिलाफ बढ़ते जा रही है। तो ऐसा है अभी पॉलिटिकल हिसाब तेलंगाना का। और यहाँ पे जय तेलंगाना का नारा लगाने वाली BRS एक तरफ खड़ी है, तो वहीं जय श्री राम कहने वाले पार्टी के कैडर BJP के तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात आती है, मेरा ऐसा एनालिसिस है काफी सारे BRS के नेता है, BRS का कैडर जो है, BRS का जो कैडर है वो क्या करता है, MLA इलेक्शन आते ही BRS को वोट देता है, MLA के इलेक्शन में BRS का MLA जिताने की कोशिश करता है। लेकिन जब MP इलेक्शन आता है तो BJP के MP इसको जो है MP कैंडिडेट्स को वोट दे देते हैं। तो इसके वजह से भी जो है काफी मतलब एक इंटरेस्टिंग सा टर्निंग पॉइंट दिखाई दे रहा है। इसी चीज को जो है KCR कट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब MLA में आप हमको जिता रहे हो, वैसे MP में भी जिता हम जो है खड़े होंगे। यहाँ पे एक और चीज ये है, इस बार फिर से आता हूँ इस पॉइंट पे कि इस बार दक्षिण का द्वार कहे जाने वाला कर्नाटक, BJP के लिए जो दक्षिण का द्वार है वहां पे बहुत टफ फाइट होगी। जो कर्नाटक की सीमा लगती है तेलंगाना के साथ में, जैसे बीदर हो गया, जैसे अपना ये रायचूर हो गया, ये सारी जगह पे हो सकता है जहाँ तेलुगु लोग ज्यादा रहते हैं वहां BRS अपना कैंडिडेट उतार सकती है। BRS जो है उस एरिया में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन करके अपना कैंडिडेट उतार सकती है MLA के इलेक्शंस में। अगर कर्नाटक में BJP जीत गई तो उसका जो है उसका जो एनर्जी है वो तेलंगाना पे भी दिखाई देगा। अगर BRS वहां पे JDS के साथ अलायंस करके जो है BJP को हरा देती है कर्नाटक में, तो वो लोग बोलेंगे कि यस हमारे दम से जो है हमने कर्नाटक में BJP को हरा दिया और हम जो है तेलंगाना में भी BJP का यही हाल करेंगे। तो कर्नाटक का इलेक्शन BJP के लिए बहुत क्रूशल है। अगर कर्नाटक जीत गए तो उसका एनर्जी इफेक्ट जो है तेलंगाना में भी पड़ेगा, अगर कर्नाटक हार गए तो तेलंगाना जीतना भी थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ,
आपको जो है ये भी बताना है कि अभी तेलंगाना के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जिसके बारे में आप जो है पॉलिटिकल विश्लेषण देखना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले बिहार के बारे में बताया, आज तेलंगाना के बारे में बताया, अगले एपिसोड में आप किस स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और जो पॉलिटिकल चर्चाएं आप लोग करते हैं आप जो है उसमें ये वीडियो मतलब अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और बताइए लोगों को कि एक्चुअली पॉलिटिकली चल क्या रहा है, क्योंकि आप लोग एक सीमित हिसाब में बैठ के रहते हैं, आप लोगों को जो है महाराष्ट्र की खबर नहीं पता, आपको मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है नहीं पता, इस साल 10-10 जगह पे जो है असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सारी जानकारी जो है आपको पॉलिटिकल पाठशाला में मैं दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही व्यूअर्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।